नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छठ के दौरान कैमरे से होगी निगरानी, इमरजेंसी कॉल की होगी सुविधा। दिल्ली बिहार के बाद अब यूपी बिहार के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन। राष्ट्रीय पिकल बॉल में बिहार को मिले 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक। तेजस्वी यादव ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद शीघ्र भरा जाएगा। रेणुका और मंधाना के तूफान में उड़ी श्रीलंकाई टीम, भारत का एशिया कप पर कब्जा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया एग्जिम बैंक ने 45 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। इंडिया एग्जिम बैंक ने विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल मिलाकर 45 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री या MBA या PGDBA होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.eximbankindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। छठ के दौरान कैमरे से होगी निगरानी, इमरजेंसी कॉल की होगी सुविधा। दुर्गा पूजा के खत्म होते ही बिहार में छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी और अब युद्ध स्तर पर बिहार के सभी जिलों में छठ की तैयारियां चल रही हैं। छठ पर्व के दौरान व्रतियों की सुरक्षा से लेकर सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की विभिन्न जगहों पर ECB अर्थात इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। कुल 11 जगहों पर लगाए गए ECB से आम लोगों और व्रतियों को काफी सुविधा मिलेगी। यही नहीं, शहर और घाटों पर कुल 59 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं। अन्य घाटों पर सर्वे कर कैमरा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही JP गंगा पथ वे एवं कनेक्टिंग रास्तों पर भी कैमरे लगाए गए हैं। रामरेखा घाट इस वजह से है बेहद खास। रामरेखा घाट बक्सर जिले में स्थित बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा है। गंगा नदी के किनारे इस घाट के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि जब ताड़का वध के बाद प्रभु श्री राम पर स्त्री वध का पाप लगा तो उस पाप मुक्ति के लिए वो वही नजदीक गंगा तट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के समय प्रभु श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग को जल स्नान कराने के लिए ले गए तो श्री राम ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया, फिर जल स्नान कराया, परंतु हाथ हटाने पर प्रभु श्री राम के हाथों की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई और साथ ही उनके पैरों के निशान वहां की मिट्टी पर छप गए। रामरेखा घाट में शिवलिंग आज भी अस्तित्व में है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा के भाव को दर्शाता है। श्रद्धालु हमेशा से इस पावन भूमि पर आते हैं और पूजा करते हैं। दिल्ली बिहार के बाद अब यूपी बिहार के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली छठ के दौरान करीब 15 लाख लोग अलग अलग राज्यों से बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में रेलगाड़ियों में भीड़ स्वाभाविक है, जिसका असर एक महीने पहले से ही ट्रेनों और प्लेनों में देखने को मिल रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने दिल्ली बिहार के बाद अब यूपी बिहार मार्ग के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, आजमगढ़ सहित अन्य शहरों के लिए त्यौहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें गाड़ी संख्या 04004 या 03, गाड़ी संख्या 04006 या 05, गाड़ी संख्या 04052 या 51, गाड़ी संख्या 04036 या 35, गाड़ी संख्या 04677 या 78 और गाड़ी संख्या 04680 या 79 शामिल है, जो कि 22 अक्टूबर से आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। नए खुले इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 1250 रुपये में आवास की सुविधा। शिक्षा के साथ साथ बढ़ रहे छात्रावास के खर्चे के बीच बिहार के एक कॉलेज से विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए समस्तीपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रावास की सुविधा काफ़ी सस्ते में दी जा रही है। कॉलेज के उद्घाटन के बाद जब कॉलेज की सुविधाओं के बारे में खंगाला गया, जिसमें यह बात निकल कर सामने आई है। आपको बताते चले कि एक दिन पहले शुक्रवार को CM नीतीश ने समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा केवल 1250 रुपये प्रति माह की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। मेस की बात करें तो यहां पर केवल 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे।
दिसंबर तक BSUSC 2500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया करेगा पूरा। बिहार के सभी विद्यालयों में 52 विषयों में 4600 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की BSUSC बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब तक कम पद वाले विषयों का इंटरव्यू लिया जा चुका है, जिसमें 26 विषयों के लिए 300 पदों का परिणाम भी जारी किया जा चुका है। वहीं अब अधिक पद वाले विषयों में से एक हिंदी के सहायक प्राध्यापकों के इंटरव्यू की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। वहीं दिसंबर तक 2 से 2500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य है। अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आपत्ति को लेकर साक्ष्य जमा कराएंगे। इसके बाद आयोग की ओर से उन साक्ष्यों की जाँच करते हुए 24 अक्टूबर तक आपत्ति निराकरण के साथ ही साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर राजवर्धन आजाद ने कहा कि आयोग त्वरित गति से नियुक्ति प्रक्रिया की कवायद कर रही है। आज उची वरदान समारोह का होगा शुभारंभ। बीते दिन बौद्ध भिक्षुओं का वर्षावास काल का समापन हो गया है। आपको बता दें कि 3 माह तक बौद्ध भिक्षु वर्षावास काल के दौरान एक ही स्थान पर रहकर पूजा अर्चना और ध्यान साधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके उपरांत बौद्ध भिक्षु के लिए श्रद्धालुओं द्वारा कठिन उची वरदान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत आज 16 अक्टूबर को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की छाँव से किया जाएगा। इससे पहले बीते दिन शनिवार को नाम के वीट जेट एयरलाइंस के 2 विमान से बोधगया पहुंचे बौद्ध श्रद्धालुओं ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना किया। इस वर्ष के समारोह के मुख्य दानदाता लाओस PDR देश के बौद्ध श्रद्धालु हैं, जो लगभग 500 भिक्षु और भिक्षुनियों के बीच चीवर दान के साथ संघ दान यानी भोजन दान कराएंगे। डॉक्टरों ने तेजस्वी यादव को दी हड़ताल की धमकी। NMCH के अधीक्षक को निलंबित करना तेजस्वी यादव के लिए महंगा पड़ गया है। IMA के बिहार इकाई ने स्वास्थ्य मंत्री के फैसले पर संज्ञान लेते हुए फैसला वापस लेने को कहा है। IMA ने कहा कि अगर सरकार डॉक्टरों की बात नहीं मानती है तो वो सख्त कदम उठा सकते हैं। दरअसल IMA ने बीते दिन आपात बैठक बुलाया। बैठक में डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार निलंबन पर रोक नहीं लगाती है तो सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। IMA ने इसको लेकर CM नीतीश को पत्र लिखा है, साथ ही इसमें CM नीतीश से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और बड़ी बात यह है कि पटना में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो पटना सहित पूरे बिहार के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। डॉक्टरों की चेतावनी पर राज्य सरकार परेशानी में फंस गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की। हिंदी साहित्य के छायावाद युग में छंदबद्ध कविता लिखने में अगर कोई निराला की बराबरी कर पाया तो वह थे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित जानकी वल्लभ ने शुरुआत संस्कृत में कविताएं लिखने से की थी। उनकी संस्कृत कविताओं का संकलन काकली के नाम से साल 1930 के आसपास प्रकाशित हुआ। संस्कृत साहित्य के इतिहास में नागार्जुन और जानकी वल्लभ को देश के नवजागरण काल का प्रमुख संस्कृत कवि माना जाता है। उनका काकली संकलन पढ़कर हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफी प्रभावित हुए। ये निराला ही थे जिन्होंने उन्हें हिंदी में भी लिखने के लिए प्रेरित किया। 5 फरवरी 1916 में बिहार के मैगरा गांव में जन्मे जानकी वल्लभ को जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं कवयित्री महादेवी वर्मा के बाद छायावाद युग का 5वां महत्वपूर्ण रचनाकार माना जाता है। उनका पहला गीत किसने बांसुरी बजाई बहुत लोकप्रिय हुआ था। IGIMS के निदेशक बने डॉक्टर बिंदे कुमार। बीते दिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में से एक IGIMS के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार को बनाया गया है। इससे पहले संस्थान के निदेशक के रूप में प्रोफेसर आशुतोष विश्वास कार्यभार संभाल रहे थे। डॉक्टर बिंदे कुमार वर्तमान में IGIMS में ही पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री यह बदलाव अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। दरअसल शिकायत मिलने पर गुरुवार को तेजस्वी ने NMCH में डेंगू के मरीजों के बीच जाकर अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां व्याप्त अव्यवस्था को देखकर उन्होंने अधीक्षक को निलंबित कर दिया था। राष्ट्रीय पिकल बॉल में बिहार को मिले 2 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक। राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार को 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अंडर 19 युगल बालक वर्ग में अमितेश व हिमांशु राज की जोड़ी को व अंडर 14 युगल बालक वर्ग में रौनित राज व अनुराग ने बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं सीनियर ओपन पुरुष युगल वर्ग में बिहार के अभय व अविनाश की जोड़ी को एवं 40+ आयु वर्ग के पुरुष युगल में आनंद सिंह और प्रमोद कुमार की जोड़ी को रजत पदक प्राप्त हुआ है। यही नहीं, अंडर 16 बालक युगल स्पर्धा में आदित्य गुप्ता और रौनक की जोड़ी एवं
अंडर 19 बालक एकल में अमितेश कुमार को कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद शीघ्र भरा जाएगा। बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कटिहार के अल करीम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की बात सामने आ रही है। अस्पतालों में जल्द ही चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर की जाएगी। 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साफ और सफाई और फॉगिंग की व्यवस्था कराए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अपने भाषण के दौरान वहां मौजूद लोगों को काफी हंसाया। उन्होंने अपनी पत्नी के संबंध में कुछ बातें कही जिस पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दीक्षांत समारोह के मार्च पास्ट में परंपरागत गाउन पहने मंच पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने हंसते हुए कहा कि जितनी देर तक गाउन पहने रहने को कुलाधिपति ने विवश किया है, उतनी देर तक अपनी शादी में भी शेरवानी नहीं पहना था। गुलाबी ठंड का होने लगा एहसास। बिहार समेत उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिशों का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। बीते 2-3 दिनों से बारिश की गतिविधियां थम सी गई हैं। अब बिहार और यूपी के हिस्सों में भी मौसम में ठंडापन महसूस किया जा रहा है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर तक राज्य में मानसून की विदाई हो जाती है। इस बार भी अक्टूबर के मध्य तक बारिश का सिलसिला खत्म हो गया है। आगामी 2-4 दिनों तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहीं भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर बिहार के भागों में की बेला में थोड़ी बहुत सिहरन महसूस हो सकती है। बिहार में लगाए जाएंगे 20,000 नए उद्योग धंधे। बीते दिन मुजफ्फरपुर जिला स्कूल परिसर में उद्योग प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ करते हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में आने वाले समय में 20,000 नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। इन नए उद्योग के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। विभाग के लैंड बैंक में 4,000 एकड़ जमीन है, इसमें 10,000 एकड़ और जुड़ रहा है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योग से रोजगार की रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हर जिले में 400 से 500 नए रोजगार का सृजन हो रहा है। बिहार के बाहर से युवा रोजगार छोड़कर यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। उन्होंने अपने जिले के उत्पाद का खुद उपयोग करने की सलाह दी है। इसी के साथ उद्योग मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर व्यापार का हब है, इसको मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ पर अगर सरकार के सहयोग से उद्योग का नेटवर्क मजबूत होता है तो उसका असर अगल बगल के जिले में भी होगा। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इस दिन से लेगा LLM और MEd कोर्स के पार्ट 1 और 2 की परीक्षा। TMBU ने LLM पार्ट 1 व 2 की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। LLM पार्ट 1 व 2 की परीक्षा 17 अक्टूबर से महादेव सिंह कॉलेज में लिया जाएगा। परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। बताते चले कि LLM पार्ट 1 का पेपर 1 लीगल थ्योरी की परीक्षा 17 अक्टूबर को, पेपर 2 ज्यूरिश प्रूडेंस विषय की 20 अक्टूबर को, पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की परीक्षा 3 नवंबर को, पेपर 4 लीगल हिस्ट्री की परीक्षा 7 नवंबर को आयोजित होगी। और इसी के साथ 15 नवंबर तक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि TMBU ने MCA कोर्स के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दी थी। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर को है। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 18 और 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। हादसे से बचे नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार स्टीमर पर सवार होकर छठ पर्व को लेकर गंगा में घाटों का निरीक्षण किया। तभी गंगा में भंवड़ आया जिससे स्टीमर डगमगाने लगी। इसके बाद स्टीमर जेपी सेतु के पिलर से टकरा गई। इसके बाद स्टीमर कुछ दूर तक चली लेकिन आगे चलकर स्टीमर रुक गई। इसके बाद दूसरे स्टीमर लाई गई और फिर मुख्यमंत्री उससे वापस लौटे। हालांकि नीतीश कुमार ने छठ घाटों का निरीक्षण पूरा किया। स्टीमर से उन्होंने दानापुर के नासरीगंज में पटना सिटी के गाय घाट का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया। व्रतियों के लिए खास इंतजाम को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि छठ से पहले गंगा नदी उफान पर है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मंत्री संजय झा ने चार्ट शेयर कर उड़ान पर कसा तंज। दिल्ली से दरभंगा का फ्लाइट किराया दुबई से भी महंगा हो गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई जहाज किराए को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना पर तंज कसा है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने से ही ट्रेन और फ्लाइट टिकटों की मारामारी चल रही है। दिवाली छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए मेट्रो शहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसको लेकर जल संसाधन मंत्री ने केंद्र पर तंज कसा है और ट्विटर पर एक
चैट पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह कैसी उड़ान स्कीम है। दिवाली से पहले दिल्ली से दरभंगा की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट 21,420 रुपये है, जबकि दिल्ली से दुबई की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट सिर्फ 11,690 रुपये है। उन्होंने एयर टिकट की कीमत में भारी उछाल के लिए विमान कंपनियों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार के नागर विमान मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम को डुप्लीकेट बताने वाले ललन सिंह के बाद तेजस्वी ने भी की चोट। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढोंगी, बहुरूपिया और उनकी जाति को लेकर विवादित बयान दिया। ललन सिंह का आरोप है कि पीएम ने 2014 से अति पिछड़ा होने का ढोंग किया है। अब इसको लेकर जहां भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है, वहीं दूसरी तरफ अब ललन सिंह के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के ब्लड सेंटर और अत्याधुनिक पैथ लैब का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के बयान के समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तेज प्रताप यादव ने बताया भाजपा का भविष्य। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उन्हें साईं बाबा का चमत्कारिक भूत मिलता है तो कभी कभी वो भविष्यवाणियां भी करते रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से भविष्य बताया है। दरअसल बीते दिन मीडिया द्वारा भाजपा के राजद पर एक आरोप से संबंधित सवाल पूछने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि इसके पहले मैंने चाचा यानी नीतीश कुमार का भविष्य बताया था, देख लीजिए आज वो हमारे साथ है, अब आपको बीजेपी का भी भविष्य बता देता हूं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जल्द ही केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहराएगा। रेणुका और मंधाना के तूफान में उड़ी श्रीलंकाई टीम, भारत का एशिया कप पर कब्जा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर सातवीं बार एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। रेणुका का बखूबी साथ दिया दीप्ति शर्मा ने, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला लेकिन अपने कोटे के 4 ओवरों में दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 7 रन दिए। रेणुका सिंह ने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटका दिए। राजेश्वरी गायकवाड और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट चटकाए। भारत की शानदार गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंकाई टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 65 रन ही बना सकी। वायरल खबर में आज बात होगी मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेरोजगारों को मिलने वाले बेरोजगार भत्ते के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय मिशन रोजगार योजना नाम की एक वेबसाइट बेरोजगारों को 1,280 रुपये के आवेदन शुल्क के बदले सरकारी नौकरी दिलवाने का दावा कर रही है। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, धोखाधड़ी से सावधान रहें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में की गई। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। सेनानी सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार सेठ गोविंद दास का जन्म 1896 में हुआ। प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक विनय मोहन शर्मा का जन्म 1905 में हुआ। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का जन्म 1944 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म 1948 में हुआ। उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म 1948 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेटर वेद कृष्णमूर्ति का जन्म 1995 में हुआ। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाष शंकर पाटनी का निधन 1938 में हुआ। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का निधन 1951 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन 1994 में हुआ। व्हाट्सएप दे रहा है ये यूजफुल फीचर, भेजे गए मैसेज होंगे एडिट। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को पहले से भेजे गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा देगा। WA बीटा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टेक्स्ट के बगल में एक एडिटेड लेवल दिखाई देगा और यूजर्स किसी मैसेज को भेजने के 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हैं। मैसेज एडिट करे फीचर यूजर को तय समय के अंदर अपने मैसेज को एडिट करने की अनुमति देगा। न्यू एडिट फीचर डिलीट मैसेज फीचर का एक विकल्प होगा। मैसेज एडिट होने पर एडिट लेवल दिखाई देगा।
बिहार में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू के डर ने भी सताया। बिहार में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक पटना से मामला सामने आ रहा है, वहीं मुंगेर में भी डेंगू विस्फोट देखने को मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले पटना के हर रोज 1000 डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि डेंगू के बढ़ते मामले के बीच पटना में ही स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आए हैं। पटना में डेंगू के बाद अब संक्रामक रोग स्वाइन फ्लू का 2 मामला भी सामने आया है। यह मामला भी पाटलिपुत्र स्थित रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में है। स्वाइन फ्लू मरीज एक महिला है जो कि मसौढ़ी से है। हालांकि महिला खतरे से बाहर बताई गई है। पूर्व मध्य रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी से शुरू। सोनपुर मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक सारण के सांसद राज प्रताप रूडी की अध्यक्षता में बीते दिन की गई। बैठक के पूर्व में महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने सभी नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि सोनपुर मंडल के सभी प्रमुख रेलखंड का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू किया गया है। इससे पूर्व रेल के क्षेत्र में अग्रणी रूप से योगदान देगा। उन्होंने कहा कि सांसदों और उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों से भविष्य में रेल विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने में मदद मिलेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है शंकर मुखिया, अतीक खान, राकेश शर्मा, रुद्रशंकर चंदन यादव, नुन्नू कुमार, मोहम्मद जमील अख्तर, अमरदीप कुमार, उमेश ऋषिदेव, बाबूलाल मरांडी, रोहित आहिर, कविता कुमारी, गोपाल कुमार यादव, रामशंकर सिंह और नवीन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव द्वारा NMCH अधीक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई उचित थी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।